यार एक ऐसा मैसेज जो मुझे बार बार पढ़ने को मिलता है, बार बार कमेंट्स में भी वही लिखा मिलता है, मेरे इंस्टाग्राम पर भी लोग वही पूछते हैं, मेल पर भी वही पूछते हैं। तो भाई आज मैं इस सवाल का जवाब दे ही देता हूं। और सवाल ये होता है कि सौर मैंने 40 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी, मैंने 200 वीडियो अपलोड कर दी, लेकिन मेरे व्यू आते ही नहीं है। तो भाई सबसे बड़ी बात मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि यूट्यूब पे आखिर व्यूज आते कैसे हैं, यानी कि यूट्यूब पे जो बिल्कुल नया चैनल है जिसके पास कोई सब्सक्राइबर नहीं है उस पर व्यूज आना स्टार्ट कैसे होते हैं। अगर आप इस बात को ध्यान से समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आते। तो उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि जब भी आप एक नया चैनल क्रिएट करते हैं तो आपके पास कोई सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, यानी कि आपके पास ऑडियंस बेस नहीं होता है। यानी कि अब आपको जो भी व्यू मिलेगा, यानी कि व्यू मिलेगा कैसे भाई, व्यू तो जब भी मिलेगा जब कोई आदमी उसको वॉच करेगा वीडियो को, तो वो अननोन पर्सन होगा। अब अननोन पर्सन आपके चैनल तक पहुंचता कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए यूट्यूब जो है वो एक एल्गोरिदम है, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, कोई मैन नहीं है कि भाई एक आदमी उसका नाम यूट्यूब है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। और वो आपके चैनल पर व्यूज लाता कैसे है वो बता दो। कि जो यूट्यूब है वो एक चीज ध्यान रखिए हमेशा, कुछ लोग कहते हैं कि सर नए चैनल पे तो व्यूज आते ही नहीं है यूट्यूब पे, नहीं भाई नहीं, यूट्यूब का अल्गोरिदम तो न्यू चैनल फ्रेंडली ही होता है, वो नए चैनल को जरूर से जरूर आगे बढ़ाता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो भाई एक भी नया चैनल आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन फिर आपको कि सर हमारे को क्यों नहीं बढ़ाता, बाकी लोगों को क्यों बढ़ाता है, तो भाई इसका आज मैं जवाब आपको दे देता हूं। देखिए चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो यूसी न्यूज पर जो वीडियो डलती है वो हो, या कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहां पर आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो होता यह है कि जब भाई नया नया वो प्लेटफॉर्म बनता है तो वहां पर क्रिएटर कम होते हैं, और आप अगर वीडियो वहां डालोगे तो आप जल्दी ग्रो कर पाओगे। लेकिन आप धीरे धीरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां पे वीडियो पब्लिश होता है वहां पर जैसे जैसे क्रिएटर बढ़ते जाएंगे तो भैया सीधी सी बात है कि वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यूट्यूब पर भी क्या है कि बहुत ज्यादा वीडियो क्रिएटर हो गए हैं, लेकिन अब भी YouTube काम अपना वैसे ही कर रहा है जैसा पहले करता था, लेकिन आप थोड़ा समझ इसे नहीं पा रहे हैं। होता क्या है कि YouTube का एक सिस्टम है कि भाई एक कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक को अगर कोई व्यक्ति आकर YouTube पर सर्च करता है तो वो उसके सामने एक लिस्ट ओपन करता है जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होती है और वो देखता है। अब क्या है कि भाई देखिए उसका तो सीधा सा सिस्टम है कि वो कैसे आती है, वॉच टाइम ज्यादा होगा तो भाई वो लिस्ट आ जाएगी। लेकिन होता ये है कि उस लिस्ट में से भी मान लो, जैसे मान लो मैंने YouTube पर सर्च किया कि हाउ टू यूज WhatsApp प्रॉपरली, यानी कि WhatsApp को प्रॉपर कैसे यूज करें। अब मान लो 10 जो टॉप 10 वीडियो थी जो ज्यादा वॉच टाइम गेन की हुई थी वो फर्स्ट पेज पे आ गई और मैंने सेकंड वाली वीडियो पे क्लिक किया और वो वीडियो मैं देख रहा हूं। अब साइड में क्या होगा, बिल्कुल उसके साइड में या मैं मोबाइल पे देख रहा हूं तो नीचे सजेस्टेड वीडियो या रिकमेंडेड वीडियो का ऑप्शन जो आएगा और उससे मिलती जुलती और लोगों ने जो वीडियो बनाई होगी उनमें से वीडियोस वो दिखा रहा होगा ताकि मैं इस टॉपिक को पसंद करता हूं तो मैं उस वीडियो को भी देख लूं। अब उस सजेस्टेड वीडियो वाला जो सेक्शन है उसमें आपकी वीडियो अगर दिखाई जाएगी तो आदमी आपके जो भी व्यूअर होगा वो आएगा आपकी वीडियो पे क्लिक करेगा और आपको व्यू मिल जाएगा। अब बात ये कि वहां तक अपनी वीडियो पहुंचाए कैसे, तो यहां पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी कोई नई वीडियो YouTube पर आएगी तो YouTube का एक सिस्टम है, किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म का एक सिस्टम है कि वो आप जब भी कोई सर्च करेगा या उस टॉपिक को जानने की कोशिश करेगा या उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने वीडियो बनाया वीडियो वो वॉच कर रहा है तो कोई भी वैसा ही वीडियो YouTube या कोई भी और वीडियो प्लेटफॉर्म उसको दिखाने की कोशिश करेगा। स्टार्टिंग में 10 लोगों को दिखाएगा, अगर 10 लोगों में 10% लोग भी क्लिक करते हैं, यानी कि एक बंदा भी उस पर क्लिक करके देखता है और वीडियो वो देखता है काफी, ऐसा नहीं क्लिक किया और छोड़ दिया, वीडियो देखता है तो एल्गोरिथम समझता है कि वीडियो में कुछ तो है, एक बंदे ने क्लिक किया तो वीडियो देखा है, 50% से तो ज्यादा देखा है, यानी वीडियो कुछ में दम है इसमें, तो वो क्या करता है फिर उस वीडियो को 100 लोगों के सामने रिकमेंड करता है। अब 100 लोग में से अगर 10% देख ले, मान लो 10 वीडियो 10 लोगों ने भी क्लिक कर लिया और वो वीडियो देख लिया तो लगेगा कि एल्गोरिथम को यार वाकई में इस वीडियो में कुछ तो है कि 10 लोगों ने देखा है इस वीडियो को, फिर 100 से वो 1000 में करेगा, फिर 1,00,000 में करेगा, 1,00,00,000 में करेगा, इस तरह से आपकी वीडियो का रिकमेंडेशन बढ़ेगा और लोगों को जो क्लिक है वो भी ज्यादा बढ़ेगा, यानी आपके व्यू भी बढ़ जाएंगे। अब समझ में ये नहीं आता कि यार कुछ लोगों के तो भाई वो कहेंगे कि भाई 1,00,000 लोगों को रिकमेंड किया और सर 10,000-15,000 लोगों ने देख लिया व्यूज आ गए, और कुछ लोग बेचारे ऐसे भी जिन्होंने 200 वीडियो बना दी लेकिन भैया उन पे व्यू नहीं आया। तो उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात कि आपके वीडियो का थंबनेल बिल्कुल बेकार है। अगर आपका थंबनेल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है
तो भाई लोग आपकी वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे। अब एल्गोरिथम तो क्या करेगा भाई, मैं हाउ टू यूज व्हाट्सएप की वीडियो देख रहा हूँ, आपने भी यही वीडियो बना रखी है और मेरे को रिकमेंड भी कर रहा है, अब वो अकेले की आपकी तो रिकमेंड नहीं करेगा, ऐसी वीडियो और लोगों ने भी तो बना रखी है, तो वो बहुत सारी वीडियोस रिकमेंड करेगा मुझे नीचे। अब मुझे इसी टॉपिक पे अगर दूसरी वीडियो देखनी है तो मैं जिसका थंबनेल अच्छा होगा उस पर क्लिक करके वीडियो देख लूंगा, ठीक है, आपका अच्छा होगा तो मैं आपकी भी देख लूंगा, तो भाई एल्गोरिथम को समझ में आ जाएगा कि यार वीडियो है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने थंबनेल तो बहुत मस्त बना दिया और वीडियो में ना तो ऑडियो ढंग का है ना तो वीडियो ही ढंग का है और आप कह रहे हो कि हाँ भाई वीडियो अच्छा है, आपको खुद का वीडियो अच्छा लगता है ये अलग बात है, लोगों को आपका वीडियो अच्छा लगता है ये अलग बात है, क्योंकि अपनी चीज तो भाई सभी को अच्छी लगती है। अब बात यह है कि आपके वीडियो का थंबनेल तो बेटर होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपका जो कंटेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। अब अगर वो अच्छा होगा तो मैं वीडियो देखूंगा, रिकमेंड वीडियो में मेरे पास आएगा और मैं देख लूंगा। इस तरह से धीरे धीरे जो है व्यूज बढ़ते जाते हैं और आपका फिर धीरे धीरे सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ जाता है, और जब सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाता है तो होता यह कि भाई जैसे मैंने वीडियो डाला तो मान लो 10,000 लोगों तक इंप्रेशन चला गया, 1,000 लोगों ने देख लिया तो भाई 1,00,000 को इंप्रेशन चला जाएगा, यानी कि यूट्यूब इंप्रेशन जब भी भेजेगा, जब वो 10 लोगों को अगर भेजेगा उनमें से एक दो बंदे क्लिक करे, फिर वो 100 को भेजेगा उसमें से 10-12 क्लिक करे, फिर वो 1,000 को भेजेगा तो भाई क्लिक करे, और क्लिक करने के बाद आपका वीडियो देखने भी चाहिए, ऐसा नहीं क्लिक किया और छोड़ दिया, इसका मतलब भैया थंबनेल तो बढ़िया है लेकिन वीडियो में कुछ नहीं है। यानी कुल मिला के बात यही है सीधी सी कि भाई जब भी आप नया जो YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप दो बातों का बहुत ध्यान रखें। पहला, आपका टॉपिक इतना अच्छा होना चाहिए जो कि सर्च में हो, जो कि लोगों को जरूरत हो और लोग उसे सर्च कर रहे हो, और दूसरा आपका थंबनेल बहुत ही अच्छा हो, प्लस आपकी वीडियो जो क्वालिटी है वो भी अच्छी हो, ऑडियो काफी अच्छा हो। तो जैसे जैसे आपके इंप्रेशन बढ़ते जाएंगे, आपको वीडियो पे व्यूज बढ़ते जाएंगे, सब्सक्राइब भी लोग करेंगे और आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं सर हमने बहुत सारे वीडियो बना लिए, वीडियो काफी अच्छे हैं लेकिन हमें इंप्रेशन नहीं मिल रहा क्योंकि उनके थंबनेल अच्छे नहीं है, उनके टाइटल अच्छे नहीं है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो वीडियो एल्गोरिथम है वो किस तरह काम करता है, वीडियो को कैसे रैंकिंग में पहुंचाता है, व्यू कैसे आपके चैनल पे आना स्टार्ट होते हैं। वीडियो पसंद आ गया तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, और भाई शेयर तो कर ही दीजिए वीडियो को ताकि और भी लोगों को मदद मिल जाए। चैनल पर पहली बार आए लगता है चैनल अच्छा है तो भाई कर दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लेना ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई जानकारी मिस ना हो।